ये जा झिकी रह गई ना बात भी ओ जा उच्ची ताए वास्ते पानी बहुत स्पीड दा दा पिए कहते हैं ना इस तरह तो होता है इस तरह कामों में। ये देखें जी लूसन नहीं भी जाता, दो बारिशें आ गई नीचे इसके जो बीज था ना वो जो जौदरा बोलते हैं दूसरा जो घास होता है अब उसके चांसेस हैं वो ज़मीन से निकल आएगा और ज़मीन सूख भी नहीं रही क्योंकि सूखेगी तो हल लगेंगे। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह कुछ धूप निकली है तो आज इसके ऊपर हल लगा रहे हैं। नीचे वाला वो जो बीज था वो तो भाई साहब ज़ाया हो गया क्योंकि मेरा इरादा था उसी दिन इसको ना टहनी पे वो ना इसको बीज मिक्स करने क्योंकि हल ज़्यादा गहरे लगते हैं जिसकी वजह से जो है लूसन की पैदावार कम होती है। लेकिन भाई हमारे इरादे दिल में दिल के वो कहते हैं ना दिल के अरमान दिल ही में रह गए और ऊपर से आ गई बारिश जिसकी वजह से जो काम है सारा हमारा ख़राब हो गया। अभी गाड़ी आ रही है ट्रैक्टर और दोबारा जो है ये इसको जो है दोबारा काश कर रहे हैं लूसन की। अच्छा खासा जो है आपके भाई का जो है नुकसान हो गया, सिर्फ थोड़ी सी मिस्टेक हुई। अगर मैं जैसे मौसम ख़राब हुआ था उसी वक्त भी बीज मतलब डाल देता लूसन का तो काम चल जाना था। लेकिन मैंने सोचा यार नहीं आती बारिश, कहाँ आती है बारिश, लेकिन बारिश तो भाई साहब आ गई और रात को भी आई, पिछली रात भी आई, दो दफ़ा बारिश आ गई। रात बारिश अच्छी खासी आई है, रात भी आई है और पिछली रात भी बारिश आई है और हमने लूसन घास बीजा हुआ था और मैंने सोचा था जो लूसन है ना उसको किसी वो जो होते हैं ना टहनी के साथ जो उसको बीज मिक्स करेंगे, लेकिन सारे प्लानों पे जो है बारिश ने पानी फेर दिया। तो अभी दोबारा जो है ट्रैक्टर वाले को बुलाया, अभी अभी तो वो नहीं जा सकता क्योंकि पानी खड़ा है खेत में, तो तकरीबन आएगा 3-4 बजे और उसके बाद दोबारा जो है लूसन की काश करनी पड़ेगी। मतलब हाल तो पहले लगे हुए बीज वगैरह नहीं डाला था लेकिन अभी दोबारा जो है मतलब हाल लगाना पड़ेंगे और बीज डालेंगे और नीचे जो है जो कहते हैं जौदरा बोलते हैं और उसका बीज डाला हुआ है। अगर ज़्यादा डिले करते हैं तो फिर ये फंक्शन हो जाएगा कि जौदरा जो है उसकी तो मतलब वो पैदावार शुरू हो जाएगी, वो फूटना शुरू हो जाएगा ज़मीन से निकलना और फिर हल लगाएंगे तो उसका जो है नुकसान हो जाएगा। इसलिए आज 4 बजे का वेट है, दुआ करो बारिश ना आ जाए। मौसम अगर से अभी भी बादल हो रहा है और ज़मीन ये देखो बिल्कुल जो है दलदली सी हो गई है क्योंकि हल लगे हुए हैं यहाँ पर, चन्नू की काश हो चुकी है आलमोस्ट और फिर ऊपर से बारिश आ गई है। चन्नू के लिए तो बड़ा ज़बरदस्त माहौल बना है लेकिन मेरे वाला सीन थोड़ा गलत हुआ है। ठंडी को वाला भी चौदह छटका है मजीद दे और ये छाई छाई छटकी दे पा है कौन की बुला तंदूरी बल्ली तंदूरी है उसको हो रहा के ना बात पीछे जा गत ना बात की तरह से ये दिक्कत है थोड़ी। मैंने परले उन्ना लू कह रहा था चिंता है उत्ते शायद गद्दी का थोड़ा फाला छोटा ये थी वे नहीं बड़ा थी चलो वो तो ही गद्दी का खैर है बाकी जोड़ी वैसी ये है जो थोड़ा जा नेड़े करे सो तो मुंडी जरा एक परली से देख लगदी रासी थोड़े बाड़ी दी था खैर है मुंडी लाजमी है ना जो मुंडी लाजमी है खैर थोड़ा बहुत जुड़े रासी ये जोड़ खेन से कोनी बनना है हाल सही लगदा है नाल यार हलन दी काम बड़ा थिया गला थे बारिश पहले ही थिया उधर ना रात असल कठी उठी गई है ढिंगो री जसा के पता नहीं काल बदलू ते बाद सोलर चलाऊं ते केदाई मकोड़ा दे डर कर उते वा उतले हाल ते सटा वेंदा अल्लाह ते मेरा करू ही कोने मैं आके रिंगा ते वैसा बे तो होवे के हां ई होवे ई आज तो हो सी तकरीबन है। गोभी राय और लूसन को कर दिया मिक्स और ये देखें इसमें मिक्सिंग हो गई क्योंकि राया जो है ये पहले हम काट कर जो है मवेशी को डाल देते हैं और लूसन जो है तकरीबन फिर कुछ दिनों बाद जो है काटने के काबिल होता है। अभी बीज डालना शुरू कर दिया जी अंकल इल्ताफ ने और ये बीज डाल रहे हैं और साथ में आज मेरे साथ एक विंगारू भी आ चुके हैं जो कि होते हैं हेल्पर और मैं हूँगा, एक मेरा हेल्पर होगा सुबह खान और अंकल इल्ताफ जी बीज डाल रहे हैं।
एडी वडी खोद आई अबा एडी वडी मकोड़ा ने खोद आई खोद दो ओ एक लूसन लूसन तक कच्चा कर ले यप अभी तलाश मैं कर रहा हूँ जी मकोड़ों को, क्योंकि मकोड़े ये जो लूसन बीज होता है ना, इसको बड़े शौक के साथ खाते हैं। पता नहीं क्या वजह, इसके ऊपर कोई दवाई लगी होती है, मीठा होता है, जो भी होता है। तो उनको देख रहे हैं, और चींटियां तो खैर नुकसान नहीं करती, लेकिन मकोड़े अच्छा खासा नुकसान करते हैं, तो उन पर जो है दवाई वगैरह डाल रहे हैं। इधर तो नहीं लगी, इधर देखा देखा कीड़िया है ना, मकोड़े कोनी कीड़िया तो है ना, मकोड़े कोनी इधर मकोड़े कोनी कीड़िया नहीं, खुदा तो है ना कीड़िया कुछ नहीं आया, मकोड़े ना हूँ। गाड़ी जो है हल लगा रही है, बीज सारा डाल दे, और अभी हम निकालेंगे इसके ये जो बनने होते हैं ना, ये जो ठल्ले नुमा होते हैं, इनको हम सेट करेंगे ताकि क्यारे बनाएंगे। हल वल जो हैं, हल वगैरह कंप्लीट हो गए हैं, अब ये जो है ना ये दोबारा बनाने पड़ेंगे, जो बनने हैं कुछ बना रहे हैं, और बाकी बीज वगैरह भी लगा रहे हैं, यहाँ पे जो है राया डाल रहे हैं। इस क्यारे को, हाँ इसको बांध दे, इस क्यारे को बांध दे, क्या नहीं अब्बा इस जादू। अच्छा दीना, लो जी बड़ा तंग किया हुआ है आज पानी ने, ये देखें एक क्यारे से दूसरे क्यारे में जा रहा है, तीन बंदे हैं और तीनों के तीनों जलील हो रहे हैं। तो ये देखें अब दरमियान से ये पानी उधर जा रहा है, ये तो नहीं होगा, अब यहाँ से कोई मैं सेटिंग करता हूँ इसकी। तो वाह अभी जो है लास्ट क्यारों में पानी है, और देखो ट्यूबवेल अभी भी चला हुआ है, और ये वाले कुछ क्यारे रहते हैं, बाकी उस तरफ देखें जी एंडी है, और कौओं को पता नहीं क्या हो जाता है यहाँ पर, लगता है कोई आशियाना बनाया हुआ है। ये सामने देखें बाजरे की फसल, और ये क्यारे रहते हैं, ये सब्ज़ी के लिए, वैसे सर्दियों की जो सब्ज़ी है ना वो हम यहाँ पर लगाएँगे। भाई साहब पानी अल्हम्दुलिल्लाह लगा दिया, और बड़ा तंग किया पानी ने, कसम से इतना तंग किया ना पानी ने, आज तीन बंदे थे और तीनों बंदों से जो पानी कंट्रोल नहीं हो रहा था, क्योंकि पहला पानी होता है और हल लगे होते हैं दलदली सी जगह होती है, तो पानी जो है कभी किसी जानब कभी किसी जानब, क्योंकि पहला दूसरा पानी इस तरह बड़ी मुश्किल पेश आती है, बाद में ज़मीन जो है बैठ जाती है, पानी वगैरह पी लेते हैं, और जब घास वगैरह हो जाता है फिर आसानी हो जाती है, लेकिन आज भाई सही सही पानी ने जो है ना अगले पिछले कसर जो हम बैठ जो मतलब बैठे रहते थे या आज़ाद रहते थे ना, अगली पिछली कसरें जो है ना पानी ने हमारी निकाल दी हैं। तो अभी यहाँ ये जो आप जगह देख रहे हैं ना, ये है सब्ज़ी के लिए, तो उस क्यारे में अभी लगानी है, और इसमें जो है लगी हुई है कोई थूम वगैरह जो है, अभी तो जैसी बात है आज लगा हुआ पानी वगैरह, तो इतना मतलब इसमें लग जाएंगे 4 से 5 दिन, तो आलमोस्ट तकरीबन 4 से 5 दिन मेरे ख्याल में लग जाते हैं। तो खैर आज के इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दो में याद रखिएगा, सजू भैया को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।